त्योहारों के संबंध में चाहे उसका जो भी नाम रख दिया जाए मूल बात यह है कि यह धार्मिक प्रतीक एवं अनुष्ठान है यह उन प्रतीकों तथा विशेषताओं में से एक है जो प्रत्येक धर्म और उसके अनुयायियों को दूसरों से अलग करती हैं मुतवातिर शरीय नसूस अर्थात बहुतेरी धार्मिक तर्कों ने पूरे वर्ष में मुसलमानों के त्योहारों को केवल दो ईदों तक सीमित किया है जो फितर एवं ईद अजहा हैं तथा सप्ताह का ईद जुमा का दिन है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्रत्येक समुदाय के लिए त्यौहार का दिन होता है तथा यह हमारे त्यौहार का दिन है इसके अलावा अन्य उत्सव जैसे क्रिसमस एवं नववर्ष का उत्सव इत्यादि तो यहूदी एवं नसारा का त्यौहार है किसी मुसलमान के लिए इसको महत्व देना अथवा इसे मनाना जायज़ नहीं है न ही इसकी बधाई देना अथवा इसमें भाग लेना जायज़ है इसी में शामिल है उन्हें ऐसी चीज उपहार स्वरूप देना जो वह त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक हो अथवा उन्हें इस त्यौहार के लिए आवश्यक वस्तुएं बेचना जैसे क्रिसमस लाइट्स क्रिसमस ट्री एवं विशेष खाद्य पदार्थ इत्यादि यह दो कारणों से वर्जित है प्रथम यह उनकी नकल करना एवं उनके कुफ्र का समर्थन करना है और इस्लाम ने ऐसी चीज़ों में काफिरों की नकल करने से मना किया है जो उनके धर्म की विशेषताओं में से हो द्वितीय वास्तव में इन त्योहारों में सर्वशक्तिमान अल्लाह के धर्म में बिदात एवं नवाचारों को अंजाम दिया जाता है अल अकयम अल्लाह उन पर दया करे कहते हैं ऐसे त्यौहार जो विशिष्ट रूप से केवल काफिरों के लिए ही हैं उनकी बधाई देना विद्वानों की सर्वसहमति से वर्जित एवं हराम है जैसे उन्हें उनके त्यौहार की बधाई देते हुए कहे आपके लिए यह त्यौहार शुभ हो अथवा इस त्यौहार का आनंद लें या इसी प्रकार का वाक्य जैसे हैप्पी क्रिसमस इत्यादि कहे ऐसा कहना यदि कुफ्र नहीं भी है तो हराम अर्थात वर्जित तो अवश्य है और इसका अर्थ उसके संग दुर्व्यवहार करना अथवा उन्हें आतंकित करना कदापि नहीं है क्योंकि उनके त्यौहार में भाग लेने से इनकार करना आतंकवाद नहीं है या सिर्फ एक संकेत है जो दर्शाता है कि एक मुसलमान उन चीज़ों से दूर रहता है जो उसकी आस्था धर्म एवं प्रतीकों के विरुद्ध हो इसलिए उनकी ओर से दिया गया उपहार स्वीकार करना जायज़ है तथा इसे उनके समारोह में उनके साथ भागीदारी करने या समारोह की वैधता की पुष्टि करने के रूप में नहीं गिना जाएगा बल्कि उपहार को उनके साथ शिष्टाचार निभाने उनका दिल रखने एवं उन्हें इस्लाम की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि यह उनके द्वारा उत्सव मनाने के लिए बलि चढ़ाए गए मांस के रूप में न हो इस्लाम इबन तयमिया अल्लाह उन पर दया करे कहते हैं जहाँ तक ईद के दिन उनके उपहारों को स्वीकार करने की बात है तो इसके विषय में पूर्व में हम अली बिन अबू तलब रज्हू के बारे में नकल कर चुके हैं कि उनके पास नवरोज का उपहार लाया गया तो उन्होंने उसे स्वीकार किया तथा अबू बर्जह से वर्णित है कि उनका एक मजूसी अर्थात पारसी पड़ोसी था जो उन्हें नवरोज़ एवं मेहरगान के दिन उपहार दिया करता था तो वह अपने परिवार वालों से कहते कि जो फल इत्यादि है उसे खा लो एवं फल के अलावा अन्य वस्तुओं को लौटा दो